थोड़ी सी मैं आपको फ्रेगनेंस बता देता हूँ। कुछ जो मेरे भाई बहन है उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, भाई इसकी फ्रेगनेंस कैसी है। फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी है, थोड़ी सी आपको लाइम जैसी होती है ना नींबू, उस टाइप की जो इसकी आपको फ्रेगनेंस देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छी और एकदम फ्रेश फ्रेश जो इसकी है फ्रेगनेंस रहने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद सिर्फ दोस्त अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ कीटो फ्रेश शैम्पू का रिव्यू। तो आज की वीडियो में मैं आपको कीटो फ्रेश शैम्पू के बेनिफिट्स बताऊँगा, यूज़ करने का तरीका बताऊँगा, और कीटो फ्रेश शैम्पू क्या ये आपके डेंड्रफ को दूर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या आपकी जो स्काल्प है उस पर इचिंग है फ्लैकिंग है क्या उसको ये दूर कर पाएगा कंट्रोल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और यूज़ करने का सही तरीका क्या है उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के नए नए वीडियो लेके आते हैं। अगर बात करो इसकी पैकिंग की तो पैकिंग काफ़ी अच्छी है, अट्रैक्टिव है, और ये जो कलर का यूज़ कर रखा है इस वाली पैकिंग को काफ़ी अच्छा और एक यूनिक सा जो बनाता है और एकदम फ्रेश फ्रेश जो लुक है इस प्रोडक्ट की बनाता है। कीटो फ्रेश की बैजिंग आपको इधर मिल जाएगी, शैम्पू की आपको इधर मिल जाएगी, स्मार्ट वे वेलनेस का ये ब्रांड रहने वाला है, ठीक है। 100 ml शैम्पू का जो प्राइस मेंशन है 140 rupees, थोड़ा बहुत आपको इस पर 10 rupees तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, बाकी अपने एरिया के अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। और कंपोजिशन इसके अंदर है कीटो कैनाजोल जिसकी क्वांटिटी है 2%, ये 1% में भी आता है लेकिन ये आज अपने पास है 2%। अंदर से अगर आप शैम्पू की बात करो तो शैम्पू कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ज़्यादा पतला नहीं है, थोड़ा सा थिक है, गाढ़ा है, ठीक है ना। तो अब बात करता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, अपने जो स्काल्प है अपने हेयर्स है उनको गीला कर लेना पानी से, ठीक है। तो जितने भी आपके हेयर्स है, अगर आप गर्ल्स हो तो डेफिनेटली ज़्यादा शैम्पू लगेगा, अगर आप बॉयज़ हो मतलब जितने ज़्यादा आपके हेयर होंगे उतने ज़्यादा क्वांटिटी में आपको शैम्पू लेना है। और उसके बाद क्या करना है, अपने स्काल्प पे बहुत बढ़िया तरीके से मसाज करनी है, मतलब डीपली इसकी मसाज करनी है। उसके बाद आप इसको 10 से 5 मिनट आप इसको छोड़ देना, उसके बाद अपने जो स्काल्प है अपना जो सिर है उसको आप धो सकते हो, ठीक है ना। और कोशिश करना अपनी आँखों को बंद कर लेना, ठीक है ना, और आँखों में चला जाएगा, थोड़ा बहुत आपको इरिटेशन वगैरह हो सकती है, ठीक है ना। और बात करते हैं कीटो फ्रेश शैम्पू के बारे में, ये किस काम आता है। अगर आपके स्काल्प पे डेंड्रफ है, ईचिंग है, फ्लैकिंग है, फ्लैकिंग क्या होता है दोस्तों, कोई भी जैसे कोई परत होती है, पहले वो गीली रहती है उसके बाद सूख जाती है, जैसे कई बार मिट्टी होती है ना वो गीली रहती है उसके बाद सूख जाती है, उसमें एक वो त्रेड़ सी आ जाती है, एक पपड़ी सी बनती है। तो काफ़ी जो मेरे व्यूवर्स हैं, काफ़ी जो मेरे भाई बहन हैं, उनको स्काल्प पे वो पपड़ी सी या चूना चूना सा उतर के आता होगा, कई बार देखा होगा आपने, डेंड्रफ ज़्यादा होने के कारण वो पपड़ी सी एक परत सी टूट टूट के गिरती है, ठीक है ना। जैसे ही आप खुजलाते हो तो चूना चूना सा निकल के आता है, तो उस कंडीशन में कीटो फ्रेश शैम्पू यूज़ किया जाता है। अगर आपको स्काल्प पे डेंड्रफ है, ईचिंग है, फ्लैकिंग है, इसका यूज़ आप कर सकते हो, और इसका यूज़ आपको दोस्तों वीक में 2 बार करना है। अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है तो 3 कर सकते हो, नहीं तो रिकमेंडेड जो है वो 2 ही रहता है, ठीक है ना। और बच्चे इसका इससे दूर रहे, बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपकी एज 20+ है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो दोस्तों, काफ़ी अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छा है। और इसकी जो ब्रांड है मैन्युफैक्चरिंग जिससे ने बना रखा स्मार्ट वे, ये भी बहुत बढ़िया है, और इसके जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। अब थोड़ी सी मैं आपको फ्रेगनेंस बता देता हूँ, कुछ जो मेरे भाई बहन है उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, भाई इसकी फ्रेगनेंस कैसी है। फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी है, थोड़ी सी आपको लाइम जैसी होती है ना नींबू, उस टाइप की जो इसकी आपको फ्रेगनेंस देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छी और एकदम फ्रेश फ्रेश जो इसकी है फ्रेगनेंस रहने वाली है। ये आपको नज़दीकी केमिस्ट की शॉप पे आसानी से मिल जाएगा, अगर ना मिले किसी भी केमिस्ट वाले को आप ऑर्डर पे कीटो फ्रेश जो शैम्पू है उसको ऑर्डर पे मंगा सकते हो, ये आसानी से मिल जाता है। ऑल इंडिया दोस्तों इसकी जो है सप्लाई रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि ये मिलेगा नहीं, ठीक है ना। ये थी दोस्तों कीटो फ्रेश शैम्पू से रिलेटेड वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।